देखिए किस तरह से तबादला नीति की पीडब्ल्यूडी में धज्जियां उड़ाई गई है, मनचाहे और मलाईदार तैनातियां दी गई है। अब और अभियंता से लेकर चीफ इंजीनियर तक गड़बड़ी, पीडब्ल्यूडी चीफ मनोज गुप्ता सवालों के घेरे में है। इसको लेकर शासन स्तर पर भी सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है, तो पीडब्ल्यूडी में तबादला स्कैंडल सबसे बड़ा है। मनचाही तैनाती, मनचाही नीति और भ्रष्टाचार, मनोज गुप्ता और नरेंद्र भूषण अब सवालों के घेरे में है। मनोज गुप्ता पीडब्ल्यूडी चीफ, नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव है, तो एपीसी मनोज कुमार सिंह ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, देखिए ये जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो जांच जो है वो सामने आएगी, उसके बाद कई अफसरों पर जो गाज जो है वो गिर सकती है, लेकिन ये देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग में एक सबसे बड़े जो कहा जाए कि घोटाला है वो सामने आया। देखिए तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री के स्तर पर अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जी, जो पीडब्ल्यूडी के तबादलों की जांच कर रही थी। आज मनोज कुमार सिंह ने अपनी तबादला रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है और उस जानकारी में जो आया है उसमें भारी भ्रष्टाचार के संकेत मिले हैं जी। मनोज कुमार सिंह की जांच रिपोर्ट में ईएनसी पीडब्ल्यूडी मनोज गुप्ता दोषी पाए गए हैं। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी नरेंद्र भूषण पर भी इसमें कई गंभीर आरोप लगे हैं। शासन के स्तर पर और निदेशालय के स्तर पर तबादलों में जो गड़बड़ियां की गई हैं उसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है मुख्यमंत्री को। अब ये डिसीजन मुख्यमंत्री कार्यालय को करना है कि इन अफसरों के साथ वो किस तरह की कार्रवाई करें। ऐसा माना जा रहा है कि जो विभागाध्यक्ष के स्तर पर इस मामले में सरकार उनको निलंबित कर सकती है और नीचे के अफसरों पर FIR भी लिखवा सकती है। अभी ये आज देर शाम तक इस पर कुछ निर्णय होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो तबादले घोटाला हुआ था उसको लेकर एक जांच कमेटी जो एपीसी के अध्यक्षता में बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस रिपोर्ट के बाद अब बड़ा हंगामा मचने वाला है जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये जांच से जो है मुख्यमंत्री ये जो तमाम जो गड़बड़ियां सामने आई हैं ट्रांसफर को लेकर उससे मुख्यमंत्री खुश नहीं है, तो ये अब जांच चूंकि सामने आ गई है तो इन तमाम जो अफसर जिन जो कि दोषी पाए गए हैं इन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। देखिए ये भ्रष्टाचार तबादला उद्योग में जिस तरह से आरोप लगे और एक जिले में तो एक आदमी को दो दो जिले में तबादले किए गए, जो मृतक लोग थे उनके भी ट्रांसफर हो गए और जो विकलांग थे दिव्यांग थे उनके तबादले किए गए, और शासन स्तर पर और विभाग निदेशालय स्तर पर जी। दोनों जगह पर JEE के तबादले हों या XCN SE और चीफ इंजीनियरों के, तो इसमें मंत्री से लेके प्रमुख सचिव से लेके और विभागाध्यक्ष तक सीधे जिम्मेदारी बनती है। नीचे के लेवल पर भी ये बहुत बड़ा खेल हुआ, पूरे प्रदेश में सरकार की बदनामी हुई। मुख्यमंत्री ने इसीलिए इस मामले में जांच कमेटी बनाई थी और दो दिन में रिपोर्ट मांगी थी। वो रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को मनोज कुमार सिंह जो APC है उत्तर प्रदेश के उन्होंने सौंप दी है। अब PWD के कई बड़े अफसरों पर गाज गिरने वाली है आने वाले वक्त में। 24 घंटे के भीतर आप देखेंगे कुछ बड़े डिसीजन मुख्यमंत्री करेंगे। कई सारे अफसरों को इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है भ्रष्टाचार के आरोप में जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए बड़ा भ्रष्टाचार इसे PWD और सामने आया है और इस पर जांच जो है वो सौंप दी गई है, बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। और आगे बढ़ते हैं दिल्ली से।